तो गाइस आज आ रही है टेक्निक्स नंबर 11। तो चलिए टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पोल रखा था, उस पोल में आप वोट जरूर कीजिए। मैंने इसमें पूछा था कि जो आपको टेक्निक्स चाहिए वो फेस कैम वाली चाहिए और आपको जो टेक्निक्स है वो 2 मिनट से ऊपर वाली चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप उस पोल में वोट जरूर कर दीजिए, मैं आपकी वोट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आज की टेक्निक्स थोड़ी बड़ी होने वाली है, 2 मिनट से ऊपर जाने वाली है, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो गाइस पहली न्यूज आ रही है पोको की तरफ से। पोको के जो ट्रू वायरलेस एयरफोन्स है उनका जो नाम है वो कन्फर्म हो गया है। इन एयरफोन्स का जो नाम होगा वो पोको पॉप वर्ड्स ट्रूली वायरलेस एयरफोन हो सकते हैं। तो पॉप वर्ड्स आपको जो नाम है वो ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, तो देखते हैं कि कभी ये एयरफोन्स आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, बट जल्द ही आपको ये इंडिया में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक न्यू प्रोडक्ट को टीज किया है और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये आपको रेडमी के एयरड्रॉप्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो आपको चाइना में देखने के लिए मिले थे 2019 में, बट अभी तक ये जो एयरफोन्स है वो आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो देखते हैं कि आपको इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं या नहीं मिलते, बट मुझे लगता है यहाँ पर आपको स्पीकर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी अपने ट्विटर पर एक न्यू टीजर शेयर किया है जिससे पता लगता है कि आपको शायद स्पीकर भी देखने के लिए मिल सकता है रेडमी की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी का 26 मई को एक इवेंट होगा चाइना में, इसमें वो रेडमी के न्यू टीवीज लॉन्च करेंगे। उसके साथ आपको रेडमी का 10X 5G वाला स्मार्टफोन भी देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको मीडियाटेक का 820 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, और इसमें आपको 5G इनबिल्ट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी की जो वॉच है उसका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो आपको इस तरह का डिज़ाइन मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ी बहुत एप्पल की कॉपी की हुई है, तो आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन एप्पल की वॉच से मिलता है। तो आप देख सकते हो आपको किस तरह का डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। तो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी का जो X3 सुपर जूम वाला स्मार्टफोन है वो आपको 26 मई को यूरोप में देखने के लिए मिल जाएगा, और इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी तरह से लीक हो चुकी है, और इसका जो डिज़ाइन है वो भी सामने आ चुका है। आपको पुराना डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है जैसे आपको रियलमी के पुराने स्मार्टफोन्स मिलते हैं। तो गाइस इतना खास आपको डिज़ाइन नहीं मिलता, और जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाती है। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस आज की लास्ट न्यूज़ आ रही है IQ की तरफ से। IQ ने फाइनली अपना IQ का Z1 5G वाला स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है। इसकी प्राइस 2198 युआन रखी है। अगर आप चाइनीज युआन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आपको जो प्राइस मिलेगी वो 23,300 रुपए करीब देखने के लिए मिलेगी। इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना ली है, अगर आपने नहीं देखी तो कार्ड में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर चेक कर लीजिए। तो गाइस आज की टेक न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।